क्या कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? क्या कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं को वापस संतुष्ट किया जाएगा? क्या कांग्रेस में अब नया भविष्य तय किया जा रहा है? वैसे इन सवालों का जवाब आज हमको शायद मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त हाई लेवल मंथन चल रहा है, या ये कहे कि कांग्रेस में महामंथन का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार और देश के कई राज्यों में हुए पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को मिले झटकों के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह जग जाहिर है, और इस अंदरूनी कलह को मिटाने के लिए सोनिया गांधी बैठक कर रही है। ये बैठक कांग्रेस का भविष्य तय करेगा, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस का उस नाम भी सामने आएगा जिसे अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए, कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व में कमी की खबरें लगातार सामने, जिसके बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई है, और इसमें 23 असंतुष्ट नेताओं को भी बुलाया गया है। बैठक में कांग्रेस के आगे की रणनीति और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। पार्टी नेता अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं, जिनके खुद की सत्ता पर भी संकट मंडरा रहा है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तस्वीरों को लेकर कांग्रेस अब मंथन पर उतर आई है, और मोर्चा सोनिया गांधी ने संभाल लिया है। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष के नाम को लेकर भी बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस को कर्नाटक, मध्य प्रदेश में विद्रोह के बाद से सत्ता गंवानी पड़ी है। विद्रोह के लगातार खतरे के चलते राजस्थान में भी पार्टी संकट में है, तो वहीं बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन और केरल और राजस्थान जैसे स्थायी निकाय चुनाव में वोट में नुकसान भी कांग्रेस में कलह का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन देखने वाली बात है कि बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर होगी या एक बार फिर राहुल गांधी के नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि बैठक से पहले राहुल के सुर तेज हो चुके हैं, और इस बैठक में हो सकता है कि अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लग जाए। बहरहाल अब कांग्रेस चाहती है कि इस बैठक के जरिए असंतुष्ट नेताओं के साथ एक मंच पर लाया जाए, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में भी यही कांग्रेस की नई दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाती है, या फिर आने वाले चुनावों में कांग्रेस की हार का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस अपने ही कलह से उभरती पार्टियों में पीछे जा चुकी है।